हेलो गाइज, आज हम बताने वाले हैं सी में ग्रेटर नंबर है या नहीं, जो कि हम बताते हैं। जैसे राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर नंबर टू चेक विच नंबर इज ग्रेटर, यानी कि ग्रेटर है कि नहीं, बड़ा है कि नहीं नंबर। जो भी नंबर डालेंगे दो नंबर के बीच कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, समझ गए। थैंक। चलिए हम टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से फाइल में जाके न्यू ले लीजिएगा। उसके बाद F5 बटन प्रेस करेंगे, फुल स्क्रीन हो जाएगा। F5 बटन प्रेस कर देना, फिर से नया ले लेते F5, ठीक है। चलिए जो भी कोड शुरू में स्टार्टिंग में लिखते थे वही लिखेंगे। जैसे कि हाज इनक्लूड stdio.h, हाज इनक्लूड conio.h इंट मैन, उसके बाद फिर इंट दो वेरिएबल लेना है, जैसे कि एन एम ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ लगाएंगे क्लियर स्क्रीन, clrsctr क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन क्या काम करता है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद लिखेंगे प्रिंट ऐप। प्रिंट ऐप क्या करता है, स्क्रीन पे मैसेज दिखाने के लिए। प्रिंट ऐप इंटर ए नंबर, ठीक है। इंटर फर्स्ट नंबर लिख देते हैं, FIRST फर्स्ट नंबर, VR नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटर है। उसके बाद स्कैन ऐप से लिखें लेंगे यूजर से इनपुट, SCAN स्कैन ऐप %D %M% एन में स्टोर कर लेते हैं इसको। फर्स्ट नंबर को एन में स्टोर करेंगे, ठीक है। फिर से मैसेज प्रिंट के पी आ रहा है, यानी प्रिंट ऐप इंटर सेकेंड NUMBER नंबर, ठीक है। डबल क्वोट्स लगे अब। फिर स्कैन ऐप %D %M% एम को भी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लगाएंगे ईप। उसके बाद इफ लगाने के बाद इसमें एन ग्रेटर देन एम, अगर यदि एम से बड़ा होगा एन तो ये प्रिंट करेगा। PRINT प्रिंट ऐप योर नंबर GRETER ग्रेटर, योर नंबर इज योर नंबर ग्रेटर इज ग्रेट, योर नंबर इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर, ठीक है। योर नंबर इज ग्रेटर ऐसा सिंबल देके %D लगाना है, डबल क्यूट्स कॉमा, फिर एन को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अगर ये ग्रेटर देन हुआ तो, समझ गए, जो वैल्यू होगा वो दिखा देगा। उसके बाद इसको बंद करेंगे, फिर से लिखेंगे इल्स में। अगर यदि वो नहीं हुआ, एन बड़ा नहीं हुआ, छोटा हो गया, तब इल्स में प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट योर नंबर इज नॉट GRETER ग्रेटर, योर नंबर इज नॉट ग्रेटर, यानी कि ग्रेटर नहीं है, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन बंद, फिर इसको भी बंद कर दिए, मैंने एंटर। फिर से उसके बाद अंतिम में लगा देना GETCH केट सी एच। उसके बाद प्रोग्राम रन करेंगे, Ctrl F9, सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर से स्टार्ट यहाँ से करते रन।
कंट्रोल इंटर करते हैं, फंक्शन के साथ कंट्रोल अपलाइन करते हैं। चलिए देखते हैं, डालते हैं फर्स्ट में लिखते हैं 50, सेकंड में लिखते हैं 40, तो क्या यानी कि फर्स्ट नंबर से बड़ा है, यानी कि सेकंड नंबर से वो बड़ा है फर्स्ट वाला? यस, तो बोलेगा कि योर नंबर इज ग्रेटर, यानी 50 ग्रेटर देन ग्रेटर है। ठीक है, तब फिर से लिखते हैं जैसे कि 50 और 90 में कौन ग्रेटर देन है, 90 ग्रेटर देन है, तो इसमें क्या बताएगा, योर नंबर इज नॉट ग्रेटर देन, वो एन वाला नंबर ग्रेटर देन नहीं है, समझ गए? ऐसे हम प्रोग्राम को बना सकते हैं। फिर से लिखते हैं 70 और 60 में कौन ग्रेटर देन है, फर्स्ट वाला ग्रेटर देन है, बोलेगा यस ग्रेटर देन, समझ गए? यहाँ देखिए एम का जैसे वैल्यू डालेंगे ज्यादा तो इल्स वाला प्रिंट कर देगा, एन का अगर ये क्या कर रहा है, देखिए एम चेक कर रहा है, एम से बड़ा हो तब ये प्रिंट करेगा, ये मैसेज प्रिंट कर देगा, अगर एन छोटा हो गया एम से तो क्या प्रिंट कर देगा, इल्स बोला योर नंबर इज नॉट ग्रेटर देन, समझ गए? आज की इस वीडियो में इतना भी है, जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।